हर महादेव, स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। अप्रैल का महीना आज से शुरू हो चुका है, आज है 1 अप्रैल और अभी आप देखेंगे तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। अप्रैल से बहुत तेज यहाँ पर गर्मी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर गर्मी पड़ती है जो असहनीय होती है। ठंडी एक टाइम आप बर्दाश्त भी कर लोगे, लेकिन ये जो गर्मी है ना, यहाँ की बर्दाश्त नहीं होती है। 4 साल से हम लोग यहाँ पर हैं कानपुर में, लेकिन इतना पता नहीं चलता था क्योंकि अंदर ही अंदर रहना होता था। लेकिन जब से हम बाहर हैं ना, तो यहाँ के मौसमों के बारे में ना हम बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और गर्मी तो पूछो ही ना। मतलब 10 बजे से जिसको भी नाश्ता करना रहता है ना, सवेरे ही लोग 7-8 बजे तक कर वर के एकदम दरबार के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। 10 बजे के बाद सन्नाटा, और हमारा दिन भी बड़ा होने लगा है, तो हम भी अपना जो रेस्टोरेंट है ना, वो 10 बजे के बाद बंद कर दे रहे हैं, फिर स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 5 बजे, जब थोड़ा सा मौसम जो है ना, सूर्य जब ढल जा रहा है, ठंडा हो रहा है मौसम, उसके बाद जाके हम अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इडली बना के वहाँ पर बेचने के लिए जा रहे हैं। बर्दाश्त नहीं होती है ठंडी में, तो क्या कुछ भी पहन के ओढ़ के कैसे भी काम हो गया था। 5 महीने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत की थी, लेकिन उसमें थकान लगती थी, लेकिन ठीक था। जय बाबा की, जय बाबा की। तो ऐसा था कि 5 महीने काम मैंने बहुत किया, बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा। मैं पूरे जीवन में आज तक जो काम नहीं की थी ना, वो इस ठंडी में मैंने किया था। लेकिन गर्मी में अब पिछले होली से हमने अपना जो रेस्टोरेंट है ना, वो अब सुबह खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेकिन सुबह के समय अपना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम खोल के रखेंगे, 9-10 बजे तक सवेरे का नाश्ते का समय, फिर उसके बाद बंद। फिर आप लोग भी उतने दूर से ना दोपहर को चल के इधर तक मत आइएगा, सच में बहुत गर्मी है। अगर आप लोग को इडली खाना है या डोसा खाना है, तो आप लोग ना शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे आइएगा। तब क्या, मौसम ठंडा रहेगा तो आप लोगों को थोड़ा घूमने में भी अच्छा लगेगा, धूप भी ख़त्म हो जाएगी, दिन बड़ा हो रहा है तो टहलने में भी। शाम को अगर यूपी में आपको दरबार में घूमना है, तो गर्मी के समय शाम का जो समय होता है 4 बजे के बाद का, 5-6 बजे, वो सही रहता है। उससे पहले जो है ना, आप निकल ही नहीं पाओगे। आप कितना भी कोशिश करो कि हम थोड़ा बाहर घूमें, निकल नहीं पाओगे। देखो कितना सन्नाटा है, 1-2 गाड़ियाँ जाती हुई बड़ी मुश्किल से, और कैसे एकदम लू चलती है। मतलब आप ना, जो लोग उत्तर प्रदेश नहीं आए हैं दरबार आने को, सोचते हैं उनको लू भी नहीं पता होगा कि लू क्या होता है। लू चलता है यहाँ पे, मतलब जो हवा चलती है ना, वो हवा एकदम गर्म हवा चलती है, थोड़ा सा चटका मारता है। अब मैं भी जा रही हूँ दरबार, सारा सामान जो है तैयारी कर लेती हूँ शाम की, दोपहर को ही सब सब्जी वब्जी काट के सब व्यवस्थित करके जाती हूँ, फिर शाम के समय आके से बनाना रहता है। तो दरबार जा रहे हैं अब, 4 बजे तक कंटिन्यू माला चलेगी मेरी दोपहर को, अब मेरी माला चल रही है 1 बजे से। यहाँ से लगभग मैं 12 बजे निकल जाती हूँ, 12 बजता है, कभी 1 बजता है। उसके बाद दरबार में बैठ के 4-5 घंटे माला करूँगी। अप्रैल भी शुरू हो चुका है, और अप्रैल में 5th लेवल के लिए हमें खड़ा भी होना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी वही, ये देख सकते हो आप लोग कितनी गर्मी है यहाँ के। जो लोग साइकिल से जाते हैं, आप बाइक से जाते हैं, पूरे मुंह को इस तरह बांधते हैं, जैसे ठंडी में जैसे नहीं बांधते ना, वैसे यहाँ पे लोग गर्मी के समय बांधते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, कोई दिखेगा ही नहीं आप लोग को। देखो सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा है। जाएंगे माला करेंगे। आज सोची क्यों ना थोड़ा सा एक ब्लॉग बना दिया जाए, आप लोग बता दिया जाए, अगर लोग दूर से कहीं से आ रहे हो तो मौसम का पता होना चाहिए आप लोगों को।
दरबार पहुँच गए हैं, माला करने जा रहे हैं और यहाँ पर भजन हो रहा है। थोड़ी देर में हमारे गुरुदेव का आगमन होगा, चिंता होगी। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।